तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये हमारे पास हीरो का ग्लैमर जो कि BS6 बाइक आप देख पा रहे हैं, इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि सेल्फ नहीं ले रहा है। जैसे हम बटन जो दबाते हैं कट कट सी आवाज़ आता है, अगर नीचे हम यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं इस जगह तो कट कट सी आवाज़ करता है। तो इसका मतलब जैसे दोस्तों हम BS4 में या BS3 में जिस तरीके से हमारा सेल्फ का कार्बन ख़राब हो जाने पर जैसे हम सेल्फ दबाते थे तो कट कट आवाज़ करता था, या अगर हमारा ये रिले ख़राब हो जाता है तो उसके ज़रिए से भी हमारा कट कट आवाज़ करता था। तो सबसे पहला दोस्तों ये रिले जो लगाया गया है, इसमें TVS में जो रिले लगता था BS4 में, तो वही रिले जस्ट इसमें भी दिया गया है। तो रिले में बदलाव क्या है, जिस तरीके से पहले पैशन प्रो में था उस तरीके से, या ग्लैमर में था उस तरीके से, ये रिले नहीं है, ये दूसरा रिले है। तो इसी के ऊपर दोस्तों हम बात करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने इसका सेल्फ खोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेल्फ होता है, और सेल्फ को भी हम आप दिखाते हैं कि सेल्फ का क्या स्थिति है। तो ये हमारा सेल्फ का मोटर है, आप देख सकते हैं कितना बुरा स्थिति है, कितना कचरा है। और इसके साथ साथ आप अगर बात करें इसका चुंबक का, तो आप ये देख सकते किस तरीके से हो गया चुंबक, और कहाँ से तो इसी में ये चुंबक होता है, हमारा रहता है चारों चुंबक इसी में चिपका हुआ। तो वही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि पहले का जो बाइक आता था हमारा BS4, तो हमारा 4 साल 5 साल तक इस तरीके से या 8 साल तक इस तरीके से हालात नहीं आता था। और अब जो कंपनी वाला ये बनाया मोटर सेल्फ मोटर, तो अब इतना जल्दी इस तरीके से, आखिर क्या वजह है जो कि इस तरीके से इतना जल्दी ख़राब हो जाता है। अब ये देख के दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका यही है कि पूरा मोटर ही चेंज करना पड़ेगा। तो गाड़ी भी काफ़ी 1-1 साल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और इस तरीके से इसका हाल है। तो वीडियो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें इस तरीके से आखिर क्यों होता है। अगर कार्बन की बात करें दोस्तों, तो कार्बन पूरा अंदर चिपक चुका है, मतलब पूरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये पूरा अगर देखा जाए तो ये मोटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये अब नया ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हालात है। और इसमें जो एक बेरिंग होता है ये भी पूरा जाम है। चलिए दोस्तों हम इसे कोशिश करते हैं बनाने का, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में नया मोटर ही डालना पड़ेगा। इस चुंबक को और ये सब सामान को हम पार्ट्स को अच्छे से पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर यह चुंबक हम इसमें चिपकाएंगे फेविक्विक के द्वारा। तो हमने दोस्तों हालांकि कोशिश भी किया, पर इसका चुंबक उंबक टूट गया था, और उसके बाद भी जो कार्बन होता है तो वो नट जहाँ पे हम लगता है जो कार्बन जो हम टाइट करते हैं जिस नट से, वो नट टूट पूरा मतलब ख़त्म हो गया था बुरी तरीके से। तो इसके लिए दोस्तों हमारा ये सेल्फ ही बदलना पड़ेगा, ऐसे में कोई उपाय नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही बकवास सेल्फ दिया गया है इस बाइक में, चाहे वो ग्लैमर हो या सुपर स्प्लेंडर हो या पैशन प्रो हो। तो इस तरीके से दोस्तों सेल्फ जो है ये बहुत ही हमारे ख्याल से सही सेल्फ नहीं है, जो कि साल डेढ़ साल में सेल्फ ख़राब हो जाता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू।